सकतपुर जो बटियागढ़ तहसील के ब्लॉक में स्थित है, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया है। वहाँ पे 66 ऐसे किसान हैं जो इस बार की ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द को अपनी बेचने के लिए शासकीय खरीदी में वो अपना रजिस्टर किए हैं। दो चीज़ें चेक करने के लिए भेजे वहाँ चला गया था मैं, कि पहला ये जो है कि 66 लोग जो वहाँ पे रजिस्टर किए हैं कि क्या सही पूरी लोग जो वहाँ पे किसान जो है रजिस्टर किए सही है कि नहीं, उनकी रकबा जो पूरा रजिस्टर्ड है वो भी सही है कि नहीं। इसके अलावा अगर जितने किसान वहाँ पे रजिस्टर्ड है उतने लोगों ने क्या कई और प्राइवेट अपने यहाँ पे डीलर होंगे या मंडी होगा वहाँ पे क्या उनको ने ऑलरेडी बेच दिया कि नहीं, और अगर आज के डेट में उनके पास कुछ उपज बची है तो कितनी मात्रा में बची है, ये वेरीफाई करवाने के लिए मैं और अपनी डीडीए की टीम पूरा जो है वहाँ पे चले गए थे। इसी तरह हम लोग जो है पूरे जिले के जितने भी लोग ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द का रजिस्ट्रेशन किया है उनकी पूरी सत्यापन भी करेंगे। मंडी का जितने उपज आई है उसका भी हम लोग सत्यापन करेंगे। यही कोशिश है कि जो अपना FAQ क्वालिटी की मूंग है वो किया जाए, और जो पात्र रहते हैं वो कोई छूटे नहीं, और जो पात्र नहीं है वो लोग कोई मंडी अपना शासकीय इसमें आके अपना उपार्जन में आके अपना बेचे नहीं, वो प्रयास करेंगे कि पूरी नियमों के तहत ही पूरी उपार्जन की कार्यवाही जो भी होगा वो करेंगे। एक हफ्ते तक क्योंकि अपने यहाँ पे पोर्टल में समस्या थी इसलिए SMS भी नहीं जा पा रहे थे, पूरे अपने 10 केंद्र जो है जो हम लोगों के पूरे जिले में आज के डेट में संचालित है वो आज शाम से कल से फिर अपना SMS जो है भेजना चालू करेंगे, और खरीदी जो है वो सुचारू रूप से हम लोग प्रयास करेंगे सभी जगह से करने के।